दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत 1 सितंबर से बदल जाएंगी ये 7 चीजें, आम आदमी की जेब पर डालेगी सीधा असर। जी हां, बताएंगे आपको कि 1 सितंबर से क्या बदलाव होने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब सीबीआई रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ करेगी। वहीं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर WHO ने कहा कि चीन में कोरोना के स्रोत की जांच में कई देशों ने जताई रुचि, हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार रहेगा खतरनाक। जी हां, इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगी। साथ ही दोस्तों 1 महीने के अंदर नई वायु रक्षा कमान को आकार देने के लिए काम कर रही सरकार। जी हां, तो बताएंगे आपको कि ये सेना किस प्रकार की होगी और इसका क्या काम रहेगा। साथ ही दोस्तों छात्रों के लिए बड़ी खबर, JEE और नीट परीक्षाओं को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार। शिक्षा मंत्री ने कहा परीक्षाएं टली तो छात्रों का साल होगा खराब। जी हां, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। दोस्तों वैसे दोस्तों आपका क्या राय है, नीट और JEE की परीक्षाएं होनी चाहिए या स्थगित होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों चीन से परेशान इस देश को भारत देगा अपना सबसे खतरनाक हथियार ब्रह्मोस। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे, इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों हमारे जवाब कोरोना वीरू के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, 1 सितंबर से बदल जाएंगी ये 7 चीजें, आम आदमी की जेब पर डालेगी सीधा असर। जी दोस्तों 1 सितंबर से आम आदमी की जिंदगी में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसके बाद कई चीजें बदल जाएगी। जिन चीजों में बदलाव होने वाला है उनमें मुख्य रूप से LPG, होम लोन, MI, एयरलाइन सहित कई और चीजें शामिल है। इसका आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं इन सभी बदलावों की पूरी जानकारी। LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव। देश में कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां महामारी के कारण महंगाई दर बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत ही जल्द रसोई गैस सस्ती हो सकती है। LPG, CNG और PNG के दामों में भारी गिरावट हो सकती है। 1 सितंबर को LPG के दाम में बदलाव हो सकता है। दरअसल 1 सितंबर को पेट्रोलियम कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमत को रिवाइज कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में LPG सिलेंडर के दाम घटेंगे। महंगा होगा फ्लाइट यात्रा। जी हां, 1 सितंबर से विमान सेवाएं महंगी हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन शुल्क से शुल्क वसूलने का फैसला किया है। ASF शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 150 के बजाय 160 रुपए वसूला जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से $4.85 के बदले $5.2 वसूला जाएगा। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। बढ़ेगा EMI का बोझ, खत्म होगा मोरेटोरियम। जी दोस्तों EMI चुकाने वाले ग्राहकों को जेब पर झटका लगेगा, क्योंकि COVID-19 संकट की वजह से लोन ग्राहकों की EMI पर इस वर्ष मार्च में रोक लगी थी, वे 21 मार्च तक समाप्त हो रही है। भारतीय स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अगले हफ्ते फैसला होने की संभावना है। बैंकिंग सेक्टर में इसे आगे बढ़ाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। खुदरा लोन, होम, ऑटो, पर्सनल लोन जैसी सावधि कर्ज योजनाओं के लिए तहत लिए गए लोन को किस तरह से जारी रखा जाए, इसका खाका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दिल्ली मेट्रो हो सकती है शुरू। दिल्ली में मेट्रो शुरू होने की राह देख रहे लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल देश में 1 सितंबर से लॉकडाउन में छूट का चौथा चरण अनलॉक 4 शुरू होने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस दौरान 1 सितंबर से ही दिल्ली मेट्रो के परिचालन की अनुमति दी जा सकती। शुरू होगी इंडिगो एयरलाइन की उड़ाने। बता दें कि बजट एयरलाइंस इंडिगो ने अपनी उड़ानें स्टेप बाय स्टेप शुरू करने का ऐलान किया है। 1 सितंबर से प्रयागराज, कोलकाता एवं सूरत उड़ान शुरू की जाएगी। कंपनी ने समर शेड्यूल में ही भोपाल से प्रयागराज, आगरा, कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद एवं आगरा उड़ान शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना काल सहित कुछ कारणों से उड़ानें शुरू नहीं हो सकी। अब कंपनी ने प्रयागराज, कोलकाता एवं सूरत उड़ान का शेड्यूल जारी कर 1 सितंबर व इसके बाद की तारीखें में बुकिंग करना शुरू कर दिया है। स्कूल खुल सकते हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में इसके प्रतिबंधों के साथ 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच स्कूल खोलने की गाइडलाइंस जारी की है। योजना पर सचिवों के समूह और हेल्थ मिनिस्ट्री हर्षवर्धन इस बारे में चर्चा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अंतिम अनलॉक गाइडलाइंस के दौरान इस बारे में जानकारी दी जाएगी। ओला उबेर ड्राइवर कर सकते हैं हड़ताल। ऐप आधारित कार सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी ओला और उबर ने बता दें कि ऐप आधारित कार सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी ओला और उबर के ड्राइवरों ने दिल्ली NCR में 1 सितंबर से हड़ताल की धमकी दी है। कैब ड्राइवरों ने अपनी कई मांगों जैसे किराए में बढ़ोतरी और लोन रीपेमेंट मॉरेटोरियम के विस्तार को लेकर हड़ताल जाने की धमकी दी है। अगर सरकार हमारी समस्याओं को हल करने में विफल रहती है
तो कैब एग्रीगेटर्स के साथ काम करने वाले लगभग 2,00,000 ड्राइवर हड़ताल में शामिल होंगे। जीएसटी देनदारी अदा करने में देरी पर लगेगा 18% ब्याज। सरकार ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगेगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपए के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था। वहीं केंद्र और राज्य के वित्त मंत्री वाली जीएसटी काउंसिल की 39वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि 1 जुलाई 2017 से कुल कर देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज लिया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने 25 अगस्त को अधिसूचित किया कि 1 सितंबर 2020 से कुल कर देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सेस टैक्स देनदारी पर ब्याज लगाने की सुविधा का लाभ करदाताओं को 1 जुलाई 2017 की ब्याज 1 सितंबर 2020 से मिलेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सुशांत केस में CBI आज रिया चक्रवर्ती से करेगी पूछताछ। जी दोस्तों, सुशांत केस में CBI जांच का आज 8वां दिन है। इससे पहले गुरुवार को सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच के लिए NBC ने एक टीम बनाई थी। 20 अफसरों की यह टीम दिल्ली में मुंबई पहुंच चुकी है। 20 अफसरों की यह टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच चुकी है। आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है। इस बीच सुशांत के पिता KK सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रिया लंबे समय से मेरे बेटे को जहर दे रही थी, वे सुशांत की हत्यारी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। JEE नीट परीक्षाओं को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार। शिक्षा मंत्री बोले, परीक्षाएं टली तो छात्रों का साल खराब। जी दोस्तों, JEE मेंस और नीट की परीक्षाओं को लेकर एक तरफ जहां राजनीति गर्म है, वहीं सरकार भी इसे लेकर अब सख्त हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जो लोग परीक्षाएं टालने की बात कह रहे हैं, वे शायद यह समझ नहीं पा रहे कि यदि परीक्षाएं अब टली तो छात्रों को एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। छात्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। परीक्षाओं को अब टालने का कोई सवाल नहीं है, वही परीक्षा समय पर ही होगी। इस बीच परीक्षाओं की तैयारी को लेकर शिक्षा मंत्रालय और NTA ने अलग अलग स्तर पर समीक्षा भी की है। शिक्षा सचिव ने इसे लेकर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें परीक्षाओं को लेकर अतिरिक्त सहयोग मुहैया कराने को कहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 1 महीने के अंदर नई वायु रक्षा कमान को आकार देने के लिए काम कर रही है सरकार। जी दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य के व्यापक सिद्धांत के तहत नई वायु रक्षा कमान की स्थापना के संदर्भ में अक्टूबर में घोषणा कर सकता है। इस मामले से जुड़े लोगों ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नई वायु रक्षा कमान भारतीय सेना की मिसाइलों जैसी कुछ परिसंपत्तियों को संभालेगी। तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई वायु रक्षा कमान की रूपरेखा तैयार करने के लिए नए साल एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। यह पहल सभी मौजूदा सैन्य कमानों को भविष्य की सभी सुरक्षा चुनौती से प्रभावी तरीके से निपटने में मदद के लिए नए सिरे से डिवाइस करने में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के कार्यक्षेत्र का हिस्सा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। WHO ने कहा, चीन में कोरोना के स्रोत की जांच में कई देशों ने जताई रुचि, हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार खतरनाक। जी दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आगाह किया है कि प्राकृतिक रूप से हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार करना खतरनाक हो सकता है। इससे कई लोगों की जान जा सकती है। WHO ने कहा कि बड़े पैमाने पर आधारित कोरोना की जांच हमेशा लाभदायक नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि कोरोना के स्रोतों को जानने के लिए चीन में भेजे जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मिशन में कई देशों ने रुचि जताई है। WHO की COVID-19 टेक्निकल लीड माया वान करखो ने गुरुवार को कहा कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। एक सुरक्षित एवं प्रभावी वैक्सीन बनाई जाए, जिससे बड़ी आबादी को सुरक्षित रखते हुए संक्रमण बढ़ने को रोका जाए। WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल रियान ने कहा कि कोरोना वायरस के स्रोत को जानने के लिए चीन भेजे जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मिशन में कई देशों ने रुचि जताई है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय टीम बनाई जा रही है और इसका हिस्सा बनने में कई देश इच्छुक है। ये टीम वुहान में जाकर चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर वायरस के मूल का पता लगाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन से परेशान इस देश को भारत देगा अपने सबसे खतरनाक हथियार ब्रह्मोस। जी दोस्तों, भारत का सबसे एडवांस्ड मिसाइल ब्रह्मोस, जिसे रूस के साथ एक ज्वाइंट वेंचर के तहत तैयार किया गया है, अब वियतनाम को निर्यात की जाएगी। रक्षा मंत्री की तरफ से फैसला किया गया है कि इस मिसाइल को वियतनाम समेत उन तमाम देशों को निर्यात किया जाएगा जो चीन की आक्रामकता से त्रस्त है। रूस की तरफ से इसकी मंजूरी दे दी है। रूस के मुताबिक रूस की सरकार ने भारत को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को किसी तीसरे देश की सुरक्षा जरूरत को ध्यान में रखकर निर्यात की मंजूरी दी है।
वियतनाम के अलावा ब्राजील, चिली, फिलीपींस, साउथ कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, सिंगापुर और बुल्गारिया समेत 70 देशों ने इस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई है। चीन से परेशान तटीय देशों ने करीब एक दशक पहले ही भारत से आग्रह किया था कि वे उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।